वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई ड्राइवर के पोस्ट के लिए, जिसके बारे में मैंने कल आपको सारा जानकारी दिया है और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। पहले फॉर्म देख भरने से पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा। गलती कीजिएगा आपके पैसे जाएंगे, आपका पैसा यहां बर्बाद हो सकता है। चलिए लेकर चलते हैं आपको पंजीकरण, यानी कि यहाँ पे जो आवेदन करना है उसके लिए आपको पहले खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। 3 स्टेप में इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। मैं आपको वो तीनों स्टेप दिखलाऊंगा, है ना। वो आपका पहला पंजीकरण का होगा, फिर उसके बाद आप जो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे अपना एजुकेशनल डिटेल मांगेगा और उसके बाद यहाँ पे फाइनली सबमिट करने का एक ऑप्शन होगा। उस पर उसके बाद आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बिहार पुलिस का भी फॉर्म सिपाही का जो निकला हुआ था उसका भर चुके होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से देखने के लिए। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 तरह के पद हैं यहाँ पे। एक है आपका गैर गृह रक्षक यानी कि नन होमगार्ड, और है आपका होमगार्ड ऑफ द बिहार स्टेट, यानी कि जो लोग बिहार में बिहार पुलिस में होमगार्ड में पहले से कार्यरत हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ पे नन होमगार्ड है यानी कि सिंपल स्टूडेंट है जो, वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल भी बता दी थी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे इसके बारे में सारी जानकारी दी गई थी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम यहाँ पे आपके लिए। देखिए आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये लिंक है आपका 19/10/2019 का, यहाँ पे लिंक दे दिया गया है कि अप्लाई करने का, कहाँ से आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ से सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, देन उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, व्यू अप्लीकेशन स्टेटस देखकर फाइनली सबमिट कर देना है, ओके दैट्स ऑल। यहीं पे है और इसका ये ऑफिशियल लिंक है जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके अपनी सारी डायरेक्ट यहाँ इस वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, ठीक है। वरना आप तो सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट जानते ही हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टेप फर्स्ट पे, रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ये आपको पहले इंस्ट्रक्शन देगा, इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। पहला है देखिए यहाँ पे पंजीकरण पर पत्र। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी। आपके पास आपका नाम जो होना चाहिए वो आपके 10th के सर्टिफिकेट से मैच करता हुआ रहना चाहिए, जाकि जो कि आपका या तो एसएससी या कोई उसके समकक्ष प्रमाण पत्र है 10th के, तो उसके अधीन ही आपका नाम होना चाहिए जो उसमें नाम लिखा गया है, और जो आपका आधार कार्ड पे नाम है या आपकी पैन कार्ड पे नाम है, मतलब जो आईडी कार्ड पे नाम है आपका, वो इससे मैच करता हुआ रहना चाहिए। अन्यथा आप वहाँ पे एग्जाम रूम में जाएंगे और वहाँ से आपका फॉर्म अगर नहीं मैच करता है नाम आपका, तो वहां से आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद। राष्ट्रीयता आपकी यहाँ पे भारतीय होनी चाहिए, कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होम यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसके ऊपर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाएगा, ठीक है, जिसके बाद आप लोग इसको चेक कर सकते हैं बाद में, है ना, अपने स्टेटस को जैसे चेक करना है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा ईमेल आईडी के ऊपर या आपके मोबाइल नंबर के एसएमएस के थ्रू, ठीक है। बिहार राज्य का डोमिसाइल होना अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे आप यदि बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुने, अगर नहीं है तो नहीं चुने, यानी कि यहाँ पे आप अगर बिहार के नहीं भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज का सत्यापन होगा यहाँ पे, आवेदक जो भी हैं डोमिसाइल अगर है उनके पास तो उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है, उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद अधिवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बदलना स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना, बाद में नहीं, अभी आपको सर्टिफिकेट लगेगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद यहाँ पे डोमिसाइल चेंज कर दें तो फिर आपका नहीं स्वीकार किया जाएगा, ओके। डोमिसाइल इन आवासीय आपका, है ना, आवासीय एक प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास फॉर्म भरने के लिए। आरक्षण कोटी यानी कि आप समझ रहे हैं यहाँ पे EWS, EBC और BC और SC और ST, इन 4 कैटेगरी का आपके पास जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि मतलब हाँ आप इस कोटे से बिलोंग करते हैं। जो आवेदक बिहार राज्य के नहीं है उनको यहाँ पे सामान्य कोटी में रखा जाएगा, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, कल भी बताया था। पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन करने पर पत्र पर कोई भी कोटी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया EBC से और सोच रहे हैं कि हमने BC2 से भरना था, है ना,
तो आप फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार गलती हुई मतलब आपके पैसे जा सकते हैं, मतलब आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो ध्यान से पहले सारी चीज़ें पता कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा। दोस्तों अगला है हमारा यहाँ पे जेंडर, तो जो लागू है वही कीजिएगा, मतलब मेल है तो मेल है और फीमेल है तो फीमेल के लिए वहाँ पे टिक करिएगा। जन्म तिथि के बारे में वहाँ पे आपको बताना है क्योंकि सर्टिफिकेट पे आपका सारा मेंशन होगा 10th वाले पे, ठीक है। उसके बाद जो आपका 8वें में ही दो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, एक है आपका गैर गृह रक्षक यानी कि नन होम गार्ड का और एक है आपका होम गार्ड ऑफ द बिहार स्टेट का। ये दो ही आपके यहाँ पे कोटीवार मतलब जो वैकेंसी है निकाला गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे EWS, BC, EBC और SST, ये कोटीवार यहाँ पे सारी वैकेंसीज के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पे न्यूनतम जो पुरुषों की उम्र होनी चाहिए और अधिकतम जो होनी चाहिए यहाँ पे बता दिया गया है। महिलाओं के लिए 20 से 25 और EBC और BC में 20 से 28 और SST में 20 से 30 साल तक का छूट उनको रहेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कोटीवार आपका जो नन होमगार्ड है मतलब जो होमगार्ड में कार्य नहीं कर रहे वो भी अप्लाई करेंगे, है ना, यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन जो लोग बिहार राज्य के होमगार्ड पे जॉब कर रहे हैं, है ना, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उनका उस चीज़ का, वो उनके लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके अनुसार आपकी आयु 1 अगस्त 2019 के तालिका के अनुसार ही काउंट, यानी कि बेस ईयर माना जाएगा आपका 1 अगस्त 2019, उसके बाद ही आपका ये एज काउंटेबल होगा। तो यहाँ पे जो लोग कार्यरत हैं उनको न्यूनतम एज 24 से लेकर 50 तक रखा गया है, मतलब वो 50 साल तक की उम्र तक के लोग जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए भी सेम यहाँ पे जो लोग कार्यरत हैं होमगार्ड में उनका भी एज क्राइटेरिया यहाँ पे दोस्तों 24 से लेकर 50 साल तक है, सबका सेम है यहाँ पे, इसमें कोई कैटेगरी वाइज अलग से डिस्टिंग्यूज नहीं किया गया है। नोट रहे कि आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है अगर तो उन्हें होमगार्ड में नहीं रूप से चयन किया जाएगा इस क्षेत्र में, है ना, इस होमगार्ड वाले में। अगर होमगार्ड में अगर कार्यरत हैं दूसरे स्टेट में तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बिहार में होमगार्ड हैं। उपरोक्त विवरण के बाद प्रोसीड का बटन दबाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। एडिट बटन भी है यहाँ पे, अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो अभी फॉर्म भरने के सबमिट करने से पहले ही आपको एडिट करना होगा। भुगतान करें, भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पे फीस लग रहा है दोस्तों 450 रुपये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी 450 सामान्य कोटि में। EWS में भी सेम है और EBC और BC कैटेगरी की हम बात कर लें यहाँ पे तो दोस्तों ये भी आपका 450 रुपये है। बस SC और ST कैंडिडेट जो है उनको 112 रुपये चार्ज किया जा रहा है। ये तो आपके होगी फीस के बारे में। आपके मोबाइल पे जो होगा आपका पंजीकरण ID के साथ साथ सफल अगर जैसी संदेश भेज दिया जाएगा, है ना, और ये पंजीकरण ID जो होगा यानी कि रजिस्ट्रेशन ID होगा आपका, ये ID आपके भविष्य में आपके काम आएगा, इसलिए इसको संभाल के रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे या तो इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा अपने पास। आवेदक जो भुगतान करेंगे उसकी सावधानी बरतनी होगी, एक पंजीकरण संख्या के लिए कई भुगतान से बचना चाहिए, मतलब कि अगर गलती से बार बार आप मतलब अगर सर्वर डाउन है तो एक ही बार पहले सबमिट करके देख लीजिएगा, बाद में स्टेटस चेक कर लीजिएगा अगर सर्वर वहाँ पे करप्ट होता है या फिर डाउन हो जाता है तो फॉर्म भरते समय, ठीक है। पंजीकरण का देखिए रद्दीकरण यानी कि कैंसिलेशन कैसे हो सकता है, ये कुछ यहाँ पे नियम दिए गए हैं, इन नियमों को आपको पढ़ लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है वैसे तो ठीक चल रहा है अभी सर्वर, लेकिन हाँ समय से पहले आप इस फॉर्म को आवेदन कर लीजिएगा। ये आपका दोस्तों आपको मान लीजिए कि पहले से आपने फॉर्म भर दिया है और उसको रद्द करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाएं अपना व्यू एप्लीकेशन स्टेटस देखें और वहाँ से आप इसका रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्म रद्द भी कर दीजिएगा तो आप इसके लिए फिर आवेदन कीजिएगा तो फिर से पैसे लगेंगे और ये पैसा रिफंडेबल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ इस सबमिट वाले बटन पे और आगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन करता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया दोस्तों, है ना, तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले जाएगा, सारी डिटेल पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना नाम, अपना एप्लीकेशन का नेशनलिटी और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, आप बिहार से हैं तो हाँ कीजिएगा, नहीं है तो ना कीजिएगा, फिर सेम चीज जो मैंने बताया है इस फॉर्म को भरने के बाद प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म भरता हूँ और आगे चलता हूँ। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछेगा क्योंकि ये मैंडेटरी है यहाँ पे, तो यस कीजिएगा यहाँ पे। जैसे ही यस कीजिएगा यहाँ पे आपका पूरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर वगैरह डिटेल वगैरह मांगेगा जो कि आपको भर के फिर आर यू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर, तो अगर हाँ तो हाँ या तो ना पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर, अगर आपने काम किया है
तो कीजिएगा। अगर आप फ्रेशर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन अगर आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर है ना, तो आप यस कर लीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद कब से कब तक आपने जॉब किया है उसके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। और बाकी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा आपके पास लाइसेंस है, तो सपोज आपके पास LMB है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का है, तो LMB कीजिएगा। अपना नंबर डालिएगा यहाँ पे इस जगह पे है ना, और लाइसेंस इशू डेट, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम इन करिएगा, यहाँ पे लाइसेंस इशू डेट है ये आपको डालना होगा। यहाँ पे कब से कब तक आपका लाइसेंस इशूड है आपके कार्ड पे लिखा होगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट D2 ऑफिस का नाम यहाँ पे बताना होगा, किस ऑफिस से आपका ये लाइसेंस बना हुआ है। फिर यस और नो पे क्लिक कीजिएगा और आगे प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ यहाँ पे। दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पे आपके लिए एक क्लिक करने को बोलेगा डिक्लेरेशन में। इसमें आप घोषणा करते हैं कि सारी डिटेल जो है आपने भरी है वो आपका सही है, ठीक है। फिर इस कैप्चे को यहाँ पे डालिएगा और देन नीचे आइएगा जरा सा, और मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। दूसरा ही स्टेप आपका मेक पेमेंट का है, इसलिए ध्यान से सारी चीजें आप देख लीजिएगा और मेक पेमेंट पे क्लिक करके फाइनली सबमिट कर दीजिएगा और ये फॉर्म आपका यहाँ पे भर जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ पे आगे प्रोसीड ही कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए। पर ये फॉर्म का फीस मैं पेमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस फॉर्म को भरना नहीं है, और मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस कैप्चे को डाला, और इस कैप्चे को डालने के बाद यहाँ पे पूछेगा हैव यू वेरीफाइड योर डिटेल, तो देन ओके, और आर यू सबमिटेड फॉर द वांट टू सबमिटेड द डिटेल, तो देन ओके, इस पर क्लिक करना है, ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। दोस्तों ये आप आ चुके हैं इसके पेमेंट वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ से आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं SBI के थ्रू या फिर अदर किसी भी मोड के थ्रू, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। चार्जेज आपको अलग से लगेंगे, 11 रुपये, 17 रुपये, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको कोई चार्ज अलग से नहीं लगेगा, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से करते हैं तो भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप दोस्तों जैसे ही पेमेंट करके आउट होइएगा बाहर, फिर से लॉगिन करेगा तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू यहाँ पे आप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एजुकेशनल डिटेल डाल देना है बस, और व्यू स्टेटस पे क्लिक करके आप सारा स्टेटस देख सकेंगे कि कैसे कैसे आपने फॉर्म को भरा है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों जैसे आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे फिर से जाके क्लिक करेंगे है ना, तो रजिस्ट्रेशन पे देखिए मैं आपको दिखला देता हूँ। यहाँ पे आपको आना होगा और इस पे फिर से जाना होगा अपने पेज पे, और यहाँ से जाने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन आपकी ID मिला है या फिर अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डाल के और यहाँ पे अपना इस कैप्चे को डालिएगा, और इस कैप्चे को डालने के बाद सबमिट कीजिएगा, देन आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। और उस फॉर्म को जैसे ही खुलेगा वहाँ पे आपसे आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, देन सबमिट, फाइनली खत्म हो गया। और उसके बाद आप अपना स्टेटस जो है कैसे चेक कर सकेंगे, तो इसी पे क्लिक करना है फिर से आके, और मतलब आपको इस लिंक पे जाना है और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे जो तीसरा दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इस पे आपको क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, और यहाँ पे भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डाल के, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के और इस कैप्चे को डाल के अपना स्टेटस चेक कर लेना कि आपका फॉर्म भरा गया है या नहीं भरा गया है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे और इस तरह से ये भरा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं या अपने लैपटॉप से भी भर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जल्दी से इस फॉर्म को भर लें सर्वर डाउन होने से पहले, नहीं तो क्या होगा कि आप लास्ट डेट में जाएंगे और डेट एक्सटेंड हो जाएगा, और जैसे ही डेट एक्सटेंड होगा तो फिर आप वहाँ पे गड़बड़ी होने लगती है, फिर आपका फॉर्म भी नहीं भरा जा सकता अगर डेट एक्सटेंड नहीं होता है तो, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इस फॉर्म को ऐसे भर लेने के लिए। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी मुझे आपको बतानी, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ से। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि उन दोस्तों तक पहुँच सके जिन्होंने इस फॉर्म को अभी तक नहीं भरा है और अब जल्दी से इस फॉर्म को भर लें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।